दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लेके आए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो पहले हम ये फुल फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसी के नीचे देखो इनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो है कितनी फुल फॉर्म यहाँ याद कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे पहला ही फुल फॉर्म है AEPS। तो देखो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। देखो दूसरा है यहाँ पे ABRS। तो देखो ABRS का पूरा नाम होता है आधार बेस रेमिटेंस सर्विस। देखो अगला है यहाँ पे ASP। और देखो ASP का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। देखो BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है देखो CC का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। देखो आगे है BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर है CDR। CDR का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगला है देखो CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। अगला है देखो CGI। CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला है देखो CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DVR का फुल फॉर्म होता है देखो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। FDD का फुल फॉर्म है देखो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला है देखो GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। DPI डॉट पर इंच। देखो DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो अगला है CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगला है देखो कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CMOS यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला है यहाँ पे बिट यानी बाइनरी डिजिट। BPS यानी बिट्स पर सेकंड। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। देखो यहाँ पे दिया है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। देखो अगला दिया है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो IPO तो IPO का फुल फॉर्म होता है देखो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखो MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला है देखो KYC यानी नो योर कस्टमर्स। तो चलिए आगे आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखो अगला स्लाइड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देखो अगला दिया है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो अगला दिया है ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। देखो आगे दिया है ISO। तो देखो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो चलिए अगली स्लाइड पर। अगला स्लाइड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ दिया है नाबार्ड
नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला दिया देखो नास्कॉम, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। देखो अगला दिया है NEFT, तो देखो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है देखो QR कोड, यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो चलिए अगली स्लाइड पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला स्लाइड। तो इसमें पहला ही दिया है देखो NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है देखो OCR, यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखो अगला दिया है ODF, यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे दिया देखो OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो ORS, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला देखो OTP, OTP का फुल फॉर्म है देखो वन टाइम पासवर्ड। तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये रहा देखो अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर, और देखो इसमें आपको दिया P2P। तो देखो P2P का फुल फॉर्म है पीयर टू पीयर। अगला है देखो PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो आगे दिया है PCI, यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगला दिया है देखो PIN, यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला दिया है देखो PDF, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला दिया है देखो PNG, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड। तो देखो ये रहा अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दिया है देखो सबसे पहले POP, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो POS, ये होता है पॉइंट ऑफ सेल। देखो PPI, ये होता है पिक्सल पर इंच। देखो अगला दिया है PPP, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे दिया है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला दिया है देखो RTF, यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आपका अगला स्लाइड, यहाँ पे देखो आपको दिया है RTGS, यानी रीड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला देखो यहाँ पे साटा, तो देखो साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला है देखो SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है देखो TFT, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो चलिए अगली स्लाइड पर। तो ये रहा देखो अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखो SRAM, तो देखो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एसेज मेमोरी। देखो TCP, तो TCP का फुल फॉर्म है देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो UPI का पूरा नाम होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखो URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है देखो USB, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अगला स्लाइड, तो देखो अगला स्लाइड पे देखो आपका पहला ही फुल फॉर्म देखो उमंग। देखो उमंग का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नमेंट। अगला है देखो USSD, यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। देखो अगला है UTR, यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अगला है देखो UIDAI, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए अगला स्लाइड। तो देखो ये ले लिया हमने यहाँ पे अगला स्लाइड। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है
वी लैन का फुल फॉर्म, तो देखो वी लैन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। देखो अगला है VOIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है देखो W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। देखो वाईफाई, तो देखो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है देखो बॉर्म, तो देखो यहाँ बॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। देखो अगला है XML यानी एक्सटेंसेबल मार्कअप लैंग्वेज। तो अगला स्लाइड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया है, तो देखो अभी तक हमने जितने भी फुल फॉर्म पढ़ी है उनमें से आपको कितनी याद हुई है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पहला ही बताना है ASP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो ASP का फुल फॉर्म है वो होता है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि GIF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो जो GIF का फुल फॉर्म है क्या था यहाँ पे, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है EDP का फुल फॉर्म बताओ। तो देखो EDP का जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे बताना है CMOS का पूरा नाम क्या है। तो देखो CMOS का पूरा नाम होता है आपका कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो आ जाते हैं देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखो इसमें आपको बताना है कि IPO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो IPO का जो फुल फॉर्म है वो होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा देखो आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ आपको IMPS का पूरा नाम बताना है। तो देखो IMPS का जो फुल फॉर्म है वो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि IISDN का पूरा नाम क्या है। तो देखो जो IISDN का पूरा नाम था वो क्या था, देखो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर एट, तो देखो क्वेश्चन नंबर एट में आपको बताना है कि NEFT का पूरा नाम क्या है। तो जो NEFT है इसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो अगला क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन बताना है USSD का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है देखो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। तो देखो क्वेश्चन नंबर टेन में आपको बताना है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे। तो देखो जो RTGS है उसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
तो देखो ये था आज का जो है कुछ फुल फॉर्म और उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी हमने लगाया। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।